दोस्तों आज मैं 2023 में आई नेटिनॉक्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट करके बताना। मूवी की शुरुआत में हमें 1976 का समय दिखाया जाता है, जहां नेटिनॉक्स नाम की एक औरत ब्रॉथल चलाया करती थी। वो पहले काफी मूवीज में काम कर चुकी थी और अब उसकी जवानी ढल चुकी थी, इसीलिए उसने ये काम शुरू किया था ताकि वो उससे अपने बेटे को पाल सके। तभी एक रात नेटिनॉक्स के घर पर गाँव की कुछ औरतें आती है, जो उसे विच कहकर बुलाती हैं, क्योंकि उनका मानना था कि वो उनके हस्बैंड पर डोरे डालती हैं। वो औरतें अब नेटी को बाहर निकालती हैं और उसे बुरी तरह से प्रताड़ित करती हैं। हालांकि नेटी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो औरतें उसकी एक नहीं सुनती और उसे जलाकर जान से मार देती हैं। लेकिन मरने से पहले नेटी कहती है कि वो फिर से वापस आएगी और उनसे बदला जरूर लेगी। यहाँ नेटी का बेटा अपनी माँ को मरता देख बहुत उदास हो जाता है, जिसके बाद अब उसे एक मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम व्हाइट नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है और यहां पर उसकी एक छोटी बहन जूली होती है और उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम रॉबी होता है। तभी हम जूली की बेबी सिटर ब्रिट को देखते हैं, जो एक कॉलेज स्टूडेंट होती है और यहां पर पार्ट टाइम बेबी सिटिंग का काम करती है। व्हाइट और उसकी बहन यहाँ पर उनकी माँ के साथ रहती है, क्योंकि जल्द ही उनकी माँ का उनके फादर से डिवोर्स होने वाला था, इसीलिए वो उनसे दूर रहती थी। वहीं रॉबी जब व्हाइट से उसका फोन मांग तो व्हाइट उसे बताता है कि उसके फोन में नेटवर्क गायब है, क्योंकि उसने उसका रिचार्ज नहीं करवाया होता। दरअसल व्हाइट के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसका रिचार्ज करा सके। रॉबी इस पर उसे कहता है कि क्यों ना वो एक कॉपर का तार चुरा लें, जिसे बेचकर उन्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। जब ये बात कर रहे होते हैं तो तभी व्हाइट की बहन जूली भी ये बात सुन लेती है और वो भी उनके साथ चलने के लिए कहती है, जिसके बाद ये तीनों के तीनों साथ में तार चुराने के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी के घर पर ढेर सारे कॉपर के तार मिलते हैं। व्हाइट रॉबी और जूली से कहता है कि तुम दोनों जाकर उस घर की बेल बजाओ और वो मौका देखते ही उन वायर्स को चुरा लेगा। अब व्हाइट की बात मानकर दोनों उस घर की बेल बजाते हैं, जिससे वो आदमी उन्हें देखने के लिए जाता है और फिर मौका देखकर व्हाइट उन तारों को झपट लेता है। रॉबी उससे कहता है कि हमें इस तार के 50 बक मिलेंगे, जिसमे से वो आधा आधा बांट लेंगे। साथ ही वो कहता है कि वो किसी और के घर जाकर ऐसा करेंगे, पर व्हाइट इसके लिए मना करता है। तभी उन्हें अपने सामने एक घर दिखता है जो बहुत सालों से बंद पड़ा था, और ये वही घर था जहाँ नेटिनॉक्स का ब्रॉथल था। रॉबी उससे कहता है कि अगर वो वहाँ जाकर 9 बार नॉक करेंगे तो वहाँ पर नेटिनॉक्स आ जाएगी। फिर व्हाइट वहाँ जाकर 9 बार नॉक करता है और जब वो घर के अंदर देखता है तो उसे वहाँ पर एक आदमी दिखता है, जिसने एक लड़की को किडनेप किया था और उसे बुरी तरह मार रहा था। रॉबी ये देखकर काफी डर जाता है और वो दोनों के दोनों झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाते हैं। तभी वो आदमी घर से बाहर देखने के लिए आता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता, इसीलिए वह दोबारा से अंदर जाकर उस लड़की को मारने लगता है। अब ये तीनों काफी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी उन्हें विंडो से देख लेता है। अब रॉबी उससे कहता है कि वो भी पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने अभी ही चोरी की है। इसके बाद ये दोनों फोन बूथ पर जाते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। वो पुलिस को सारी बात बताकर उन्हें उस जगह का एड्रेस भी दे देते हैं, लेकिन पुलिस उनकी बात पर कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि वो उसे एक प्रैंक कॉल समझते हैं। इधर वो कातिल उस लड़की को बांधकर उसे टॉर्चर करता है और उसके कुछ बाल भी काट लेता है। इधर न्यूज में भी उसी लड़की के बारे में बताया जाता है, जिससे व्हाइट समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसे वो कातिल टॉर्चर कर रहा था। फिर हम उस कातिल को देखते हैं जो पुरानी मूवीज देख रहा होता है, जिसमें एक लड़की को टॉर्चर किया जा रहा था, जिसे देखकर उसे बहुत मजा आता है और वो सेम उसी तरीके से लड़कियों को टॉर्चर करना चाहता था। रात को व्हाइट के घर के बाहर एक आदमी आता है और उसका गेट नॉक करने लगता है, जिससे व्हाइट और जूली को लगता है कि ये वही कातिल है जो उनका पीछा करके यहाँ तक आ गया है। पर जब उसकी माँ दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर एक पुलिस वाला होता है, जो उसकी माँ से कहता है कि उसे यहाँ से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उसकी माँ बताती है कि उसका और उसके हस्बैंड का डिवोर्स होने वाला है, इसीलिए उनके बीच बहस हो रही थी। ये सुनकर पुलिस वाला उसे अपना ख्याल रखने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। इधर हम उस बेबी सिटर ब्रिट को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेकआउट कर रही होती है, लेकिन तभी हम उनके गाड़ी के पीछे उस कातिल को देखते हैं जो उन्हें देख रहा होता है। जब ब्रिट वहाँ से जाने लगती है तो वो कातिल ब्रिट का पीछा करता है। तभी ब्रिट को महसूस होता है कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। अब ब्रिट अपने रूम में जाती है और अपने कपड़े चेंज करने लगती है, और इस दौरान वो कातिल उसे घूर रहा होता है, यानी कि अगला शिकार वो ब्रिट का करने वाला था। अगली सुबह रॉबी अपने स्टेप फादर
अंदर से कहता है कि उसके पास उसके लिए डील है। वो उसे बताता है कि उसके पास कुछ कॉपर के वायर्स हैं, जिन्हें बेचकर उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे। जब वो उन वायर्स को उसे दिखाता है तो उसका स्टेप फादर उसे उसके $25 देने के लिए कहता है, जिसके बाद रॉबी उन्हें उससे बेचकर उससे पैसे ले लेता है। अब रॉबी जब वहाँ से वाइट के घर जा रहा होता है तो उसे वहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ दिखता है, जिसमें उसी लड़की जिसे उस कातिल ने किडनैप किया था उसकी फोटो होती है। वो वाइट को इस बारे में बताता है। अब क्योंकि उन्हें पुलिस से हेल्प नहीं मिलती, इसीलिए ये दोनों उस घर के बारे में सर्च करते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि सालों पहले वो घर बंद कर दिया गया था। इसके बाद रॉबी रात में उस घर के सामने एक बॉल फेंकता है जिसके ऊपर एक चिट लगी हुई थी। ये देख वो कातिल उस बॉल पर लगी चिट को पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि हमें पता है कि तुमने क्या किया है। तभी उसे बॉल पर फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। अगले दिन रॉबी जब स्कूल जा रहा होता है तो वो वाइट को बताता है कि अब तक वो कातिल डर गया होगा, पर तभी उसे याद आता है कि उस बॉल पर उसके फिंगरप्रिंट्स छूट गए थे। वहीं हम उस कातिल को देखते हैं जिसने पुलिस की ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे हमें पता चलता है कि वो कातिल एक पुलिस वाला है। वो बॉल से उन फिंगरप्रिंट्स को निकाल लेता है ताकि वो जान सके कि वो कौन था। इधर वाइट अपनी मॉम के पास जाता है, जो कि एक रियल इस्टेट एजेंट होती है। वाइट उस घर की फाइल चेक करने लगता है जिसमें वो कातिल रहता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी माँ का मालिक आ जाता है, जो उसके हाथ में उन फाइल्स को देखकर पूछता है कि उसे इसके बारे में क्या जानना है। वाइट बताता है कि वो स्कूल प्रोजेक्ट के लिए उस घर के बारे में कुछ जानना चाहता है। इस पर वो आदमी उसे अपने ऑफिस में ले जाता है और उसे उस घर की कहानी बताता है कि वो घर नेटी नॉक्स नाम की औरत का था, जो काफी बड़ी एक्ट्रेस थी और उसने कई हॉरर फिल्मों में काम किया था। लेकिन धीरे धीरे उसकी ब्यूटी ढलने लगी, जिससे डायरेक्टरों ने उसे फिल्मों में लेने से मना कर दिया। उसका एक बच्चा भी था और वो सिंगल मॉम थी, जिस वजह से उसने खुद को ही बेचना शुरू कर दिया और हर कोई उससे मिलने उसके घर में आने लगा, जिससे एक दिन इस गांव की औरतें काफी परेशान हो गईं और उन्होंने उसे जलाकर मार डाला और उसके बेटे को मेंटल अजाइलम में भेज दिया गया, जहां शॉक लगने से उसकी भी मौत हो गई। वाइट ये सुनकर काफी परेशान हो जाता है और वो अपनी साइकिल से उसके बेटे के ग्रेव के पास जाता है कि वो सच में मरा था या नहीं, जिससे उसे कन्फर्म हो जाता है कि वो सच में मर चुका है। इधर रॉबी उस घर में पीछे के रास्ते से जाता है, जहाँ वो उस कातिल को देखता है जो सो रहा होता है। रॉबी जब उसके पर्स को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि वो एक पुलिस वाला है और वो उसका नाम भी पढ़ लेता है। वो उस बॉल को उठा लेता है और जब वो गेट की तरफ देखता है तो उसे नेटी नॉक्स की आत्मा दिखती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद उस घर में रियल इस्टेट का मालिक आता है, क्योंकि उसे नेटी नॉक्स की काफी याद आ रही थी। दरअसल वो भी उसका कस्टमर रह चुका था। वो उस घर में जाता है और याद करता है कि कैसे वो नेटी नॉक्स से मिलने आया करता था। तभी वो ऊपर जाता है तो उसे वहाँ पर वो कातिल दिखता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी उसे याद आता है कि वो नेटी नॉक्स का ही बेटा है और उसे जिंदा देखकर वो हैरान हो जाता है, और तभी वो कातिल एक चाकू को उसके पेट में घुसा देता है। अगले दिन वो कातिल पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर वो अपने एक फोरेंसिक वाले दोस्त से कहता है कि उसे एक फिंगरप्रिंट निकलवाना है, जिसके बाद उसका फोरेंसिक फ्रेंड उस फिंगरप्रिंट की आईडी को निकालने लगता है। जब वो कातिल वहाँ से जा रहा होता है तो उसे रास्ते में ब्रेट मिल जाती है, जो उसे बताती है कि वो यहाँ पर एक रिपोर्ट लिखवाने आई है। वो उसे देखकर किडनैप करना चाहता है और अपने साथ ले जाता है, लेकिन तभी एक डिटेक्टिव आकर उसे रोक लेता है, जिसके बाद वो ब्रेट को अपने साथ ले जाकर उसकी कंप्लेन लिखता है। ब्रेट उसे बताती है कि वो यहाँ जिन बच्चों को बेबीसिट करती है, उन्होंने नेटी नॉक्स के घर में एक इंसिडेंट देखा था, जहाँ पर एक आदमी था जो एक लड़की को प्रताड़ित कर रहा था। इस पर इंस्पेक्टर कहता है कि वहाँ पर तो कोई नहीं रहता, पर ब्रिट उसे बताती है कि उन बच्चों ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। तभी वो कातिल उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और अब उसे पता चल जाता है कि ये सब वो बच्चे कर रहे हैं। इसके बाद हम वाइट की माँ को नेटी के घर जाते हुए देखते हैं। दरअसल वो यहाँ पर अपने मालिक को ढूंढने आई थी, लेकिन तभी वहाँ पर वो कातिल आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर वो बताती है कि उन्होंने इस जगह को बेचने का फैसला किया है, इसीलिए वो चेक करने यहाँ आई है। वो उसे बताता है कि तुम पीछे वाले दरवाजे से जा सकती हो, क्योंकि वो खुला होगा। जब वाइट की माँ वहाँ जाती है तो उसे वहाँ सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जैसे वो जाने लगती है तो उसे ऊपर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। वो उसकी मदद करती, इससे पहले वो कातिल उस पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। इधर रॉबी वाइट को बताता है कि वो कातिल एक कॉप है, जिससे पुलिस भी उसे पकड़ने में मदद नहीं करेगी। वहीं ब्रिट जूली को लेकर एक हॉरर शो में आई होती है, जहां पर अब वो कातिल भी ब्रिट को पकड़ने के लिए आ जाता है, पर तभी वहां पर डिटेक्ट
एक्टिवा जाता है और वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। वहीं उस कातिल का दोस्त उसके पास रॉबी की फोटो भेजता है और उसे पता चल जाता है कि इसी बच्चे ने वो बॉल फेंकी थी। यहाँ डिटेक्टिव के पूछने पर वो बताता है कि वो यहाँ पर शो देखने आया है, लेकिन जब डिटेक्टिव उससे कहता है कि मुझे तुम पर पहले से ही शक था, तभी कातिल उसे स्टैब कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। रात को ब्रिट जब बेबी सिटिंग कर रही होती है तो वो जूली को सुलाकर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसे आने को कहती है ताकि वो दोनों वहाँ पर एंजॉय कर सकें। इधर वो कातिल अब रॉबी के घर पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे उसका स्टेप फादर मिलता है। तभी वो उस पर अटैक करके उससे रॉबी का पता पूछता है, जिससे डर कर वो उसे बता देता है कि रॉबी इस वक्त अपने दोस्त के घर होगा, जिससे अब वो कातिल उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर वाइट अपनी माँ के ऑफिस में होता है जहाँ वो नेटी नॉक्स के बारे में जानकारी ले रहा था। तभी उसे उसके बेटे की एक फोटो मिलती है जब वो मेंटल अजाइलम में था, पर जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उसका बेटा नहीं था, बल्कि उसका बेटा वो पुलिस वाला था जो उसकी आइडेंटिटी लेकर वहाँ पर रह रहा था। इधर ब्रिट जब तैयार हो रही होती है तो उसके दरवाजे को कोई नॉक करता है और जब वो वहाँ पर जाती है तो वो कातिल उस पर हमला कर देता है। वहीं जूली उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर छुप जाती है। तभी व्हाइट भी वहाँ पहुँच जाता है। वो कातिल ब्रिट को किडनैप करके उसे अपने साथ ले जाता है और उसे गाड़ी की डिग्गी में डाल देता है जहाँ पर पहले से उसके बॉयफ्रेंड की लाश होती है। इसके बाद वो उसे किडनैप करके अपने घर में ले जाता है और व्हाइट और रॉबी उसका पीछा करने लगते हैं। वो उसके घर जाकर उसे ढूंढने लगते हैं और तभी वहाँ पर रॉबी के स्टेप फादर भी उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। वहीं वो कातिल ब्रिट को उसकी मॉम की मूवी दिखाता है, जिसे देखकर अब ब्रिट पूरी तरह पोजेस हो जाती है। तभी वो सभी अंदर आकर उस कातिल पर हमला कर देते हैं और तभी व्हाइट की माँ उसकी गन उठा लेती है और उस कातिल को शूट कर देती है, जिससे वो मारा जाता है। और तभी उसके मुंह से उसकी माँ की आत्मा बाहर आ जाती है, यानी कि वो उस आत्मा के वश में था। अब सभी एक दूसरे को संभालते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि ब्रिट वहाँ से गायब है। तभी हम ब्रिट को देखते हैं जो बिल्कुल नेटी नॉक्स की तरह सज रही होती है, यानी कि अब नेटी नॉक्स की आत्मा ने उसे कंट्रोल कर लिया था, जिसके बाद वो बेड के नीचे जाकर गायब हो जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।